नेक्स्ट लेक्चर हमारा काउंट एंड काउंट इफ। अब काउंट इफ एंड काउंट के अंदर में ना टोटल हमने वहां पे काउंट काउंट ए एंड काउंट इफ तीन है टोटल। सो हम सबसे पहले हम काउंट लेंगे। अब काउंट क्या होता है ना, बेसिकली ये आपका टोटल नहीं करता, मतलब सिंपल एक माजडा ह्यूंडई कितना, 1 2 3 4 5 6 7, मतलब बेसिकली ये काउंट कर रहा है कि वेराइटीज कितने अवेलेबल है। अगर मैं यहाँ पे सिंपली अगर यहाँ पे ऐसे रख करके अगर टोटल चेक करो तो आपको यहाँ दिखाई देगा कि टोटल वेराइटी इज 14 काउंट, राइट। सो मुझे लेकिन ये फंक्शन में यूज करना है, तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे इक्वल्स टू काउंट, राइट। अब ये काउंट है तो यहाँ पे मुझे वैल्यूज लेना पड़ेगा, राइट। यहाँ पे वैल्यूज है, मुझे काउंट करना है, एंटर करूंगा तो काउंट मिल गया कि 14 है काउंट ए। लेकिन कभी कभी आपको टेक्स्ट काउंट, फॉर एग्जाम्पल अगर इसी के अंदर में आप अगर देखो, अगर मैं ये फॉर्मूला को फिर से लिखता हूँ, काउंट लगा करके सिर्फ काउंट करो एंड मुझे ये कैलकुलेट, लेट्स सी ये आता है क्या। तो मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ तो आप देखो कि जीरो दिखा रहा है, क्योंकि वो काउंट आपका वैल्यू कंसिडर करता है। काउंट ए जो रहता है वो आपका टेक्स्ट फंक्शन के अंदर में यूज होता है, राइट। सो यहाँ पे हमने क्या किया, इक्वल्स टू काउंट ए, काउंट ए लगाओगे तो टेक्स्ट कैलकुलेट हो जाएगा आपका कि नंबर ऑफ वेराइटीज प्रोडक्ट या सेगमेंट या जो भी है कितने अवेलेबल्स है, 14, राइट। अब यहाँ पे काउंट इफ, अब मुझे देखना है कि माजदा या इस कंपनी के अंदर में ये जो सेलर है कितने टाइप के प्रोडक्ट या कितने टाइप की गाड़ियां बेचते हैं। यहाँ पे माजदा बार बार रिपीट हो सकता है, मारुति रिपीट हो सकता है, राइट। अलग अलग इसमें अलग अलग लोकेशन पे 50 जगह 100 जगह अलग अलग लोकेशन, लेकिन कौन सी वेरायटी का ये बेचते हैं। सो आई वॉन्ट टू काउंट नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स, यूनिक प्रोडक्ट्स अवेलेबल विद देम, राइट। सो मैंने क्या किया, काउंट इफ, काउंट इफ यहाँ पे सेम वही यहाँ पे लिखना है कि काउंट इफ इक्वल्स टू जैसा सम इफ था आपका, काउंट इफ ले लीजिए, रेंज ले लेंगे यहां से, रेंज ले लिया हमने यहाँ पे, क्राइटेरिया, क्राइटेरिया में क्या करूंगा इधर का ये ले लूंगा एंड उसके बाद क्या करूंगा आपका ये नंबर्स ले लेंगे, ठीक है। नहीं इसमें ये नंबर लेने की जरूरत नहीं, सॉरी, यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ ये ले लेना है, बस इतना ही काउंट करना है, ठीक है। सो यहाँ पे मुझे ह्यूंडई का 2 दिखा रहा है, अगर मैं चेंज करूंगा क्योंकि समिट में रहता है, होंडा पे क्लिक करूंगा तो अलग अलग चेंज होते जाएगा। वैगनार का कितना अवेलेबल है, आई थिंक सबका 2 ही, वैगनार 1 है, 2 है, ह्यूंडई कितना है, सो लेट मी ह्यूंडई 2 है तो एक और बढ़ा लेते हैं और समझने के लिए यहाँ पे अगर हम डालते हैं, राइट। सो अगर ह्यूंडई पे यहाँ पे क्लिक करते हैं, ह्यूंडई, राइट, 3 हो गया, राइट। सो ये मतलब आपका इसके अंदर 2 ही वेराइटीज अवेलेबल, तो इसलिए सबका 2 2 दिखा रहा था, तो हमने एक एक्स्ट्रा बढ़ा दिया तो हमको यहाँ पे नजर आ रहा है, ठीक है। सो हमने यहाँ पे क्या किया, काउंट अनकाउंट इफ भी समझ लिया।